हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बेसिक टॉपिक, एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या होता है? ये लार्जेस्ट लिम्फैटिक वेसल्स इन द बॉडी है, लार्जेस्ट लिम्फैटिक वेसल्स इन द बॉडी। थोरेसिक डक्ट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। फीचर इसका क्या है? द थोरेसिक डक्ट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फैटिक वेसल्स इन द बॉडी, लार्जेस्ट लिम्फैटिक वेसल्स इन द बॉडी। थोरेसिक डक्ट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इन द बॉडी। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है इसके बारे में? ये एक्सटेंड करती है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन से, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन से लोअर पार्ट ऑफ नेक तक, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन से लोअर पार्ट ऑफ नेक तक एक्सटेंड करती है। ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है या 18 इंच लॉन्ग होती है। ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है या 18 इंच लॉन्ग होती है। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.5 सेंटीमीटर, आप सभी को पता होगा। कोर्स, इसके कोर्स हम डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, फिर आके थ्योरी समझते हैं। ये आपका सिस्टर्ना काइली हो गया। सिस्टर्ना काइली का ये अपर एंड है, अपर एंड है। ये T12 वर्टिब्री का लोअर बॉर्डर है। ये T12 वर्टिब्री का लोअर बॉर्डर है जहाँ से थोरेसिक डक्ट स्टार्ट हो रही है। ये आपका सिस्टर्ना काइली है, ये नीचे वाला पूरा सिस्टर्ना काइली है। सिस्टर्ना काइली के अपर एंड से थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होती है और वो ये सब एब्डोमेन में है। ये पूरा आपका एब्डोमेन में है, ये जहाँ से इंटर कर रही है, जहाँ से इंटर कर रही है वो आपका आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम है। आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम है, वहाँ से इंटर कर रही है थोरेक्स में। ये आपका नीचे पूरा एब्डोमेन हो गया, इसके ऊपर थोरेक्स हो गया। थोरेक्स में आपका जब ये इंटर कर रही है थोरेक्स में, तो किसके थ्रू कर रही है? आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम के थ्रू, आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम के थ्रू थोरेक्स में इंटर कर रही है। थोरेक्स में जा रही है पोस्टीरियर मीडियास्टिना में, T12 से लेके और T5 तक आपका पोस्टीरियर मीडियास्टिना में। जो लोग मीडियास्टिनम पढ़े होंगे उनको पता होगा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम क्या होता है। तो ये T12 से T5 तक पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में जा रही है। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में जाने के बाद T5 पे जब ये जाती है, T5 वर्टिब्री पे, तो वहाँ से ये क्रॉस करती है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड की, यानी ये T5 पे क्रॉस कर रही है राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रही है। फिर ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में पहुंचती है। सुपीरियर मीडियास्टिनम में इसोफेगस है, ये इसोफेगस है, इसके लेटरल में आपका थोरेसिक डक्ट है। सुपीरियर मीडियास्टिनम में इसोफेगस के लेफ्ट साइड में आपका थोरेसिक डक्ट है। फिर यहाँ पे इसका एंडिंग हो जाता है C7 वर्टिब्रा पे, C7 वर्टिब्रा पे इसका एंडिंग हो जाता है, जहाँ पे लेफ्ट इंटरनल जुगलर वैन और लेफ्ट सबक्लेवियन वैन होती हैं, वहाँ पे इसका एंडिंग हो जाता है। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका सिस्टर्ना काइली है, ये आपका सिस्टर्ना काइली है। इसके अपर एंड पे यानी T12 वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर पे, लोअर बॉर्डर से आपका सिस्टर्ना काइली स्टार्ट हो रही है। ये एब्डोमेन से थोरेक्स में आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम के थ्रू थोरेक्स में इंटर कर रही है, एब्डोमेन से थोरेक्स में इंटर कर रही है। और T12 से T5 तक पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में है, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। और जब T5 वर्टिब्री पे जाती है तो ये क्रॉस करती है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ और फिर सुपीरियर मीडियास्टिनम में जाती है। सुपीरियर मीडियास्टिनम में ये इसोफेगस के लेटरल साइड में होती है। फिर ये आपका इसका C7 वर्टिब्री पे जाके इसका एंडिंग हो जाता है लेफ्ट इंटरनल जुगलर वैन और लेफ्ट सबक्लेवियन वैन पे। ये पूरा आपका कोर्स ऑफ थोरेसिक डक्ट हो गया। अब इसको थ्योरी से अच्छे से देखते हैं, कोर्स देखते हैं। द थोरेसिक डक्ट बिगिंस एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली, अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा, नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा। द थोरेसिक डक्ट बिगन एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा। इट इंटर्स द थोरेक्स थ्रू द आयोटिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम, इट इंटर्स द थोरेक्स थ्रू द आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। ये
एब्डोमेन से थोरेक्स में एयोर्टिक ओपनिंग के थ्रू इंटर करती है। फिर ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में पहुंचती है, ये एब्डोमेन से फिर पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में पहुंचती है। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में इट एसेंड फ्रॉम लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा टू T5 वर्टिब्रा वेयर इट क्रॉस, जहाँ ये T5 वर्टिब्रा पे क्रॉस करती है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ये एक्सटेंड करती है T12 से T5 पे, T5 वर्टिब्रा पे जाके ये क्रॉस करती है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। फिर ये कहाँ चली जाती है, और सुपीरियर मीडियास्टिनम में। तो अब सुपीरियर मीडियास्टिनम देखते हैं। इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम इट एसेंड बिहाइंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ इसोफेगस। ये एसेंड करती है और लेटरल बॉर्डर ऑफ इसोफेगस के पीछे, और रिलेटेड रहती है लेफ्ट प्लीरा एंड लंग्स के थ्रू, और रिलेट करती है लेफ्ट प्लीरा एंड लंग्स से। फिर वहाँ से ये नेक में जाती है, पहले एब्डोमेन में थी, एब्डोमेन से पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में आई, फिर सुपीरियर मीडियास्टिनम में आई, वहाँ से फिर ये कहाँ गई, नेक में गई। तो नेक में इसका देखते हैं, इट आर्चेस लेटरली एट द लेवल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा एंड्स बाई ओपनिंग इंटू एंगल ऑफ जंक्शन बिटवीन लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगलर वेन। ये कहाँ एंड करती है जंक्शन बिटवीन लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगलर वेन पे ये एंड करती है। इसके ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं, ट्राइब्यूटरीज ऑफ थोरेसिक डक्ट। पहला, लिम्फ वेसल्स फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड्स एंड फ्रॉम स्मॉल इंटरकोस्टल नोड्स। पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड्स एंड स्मॉल इंटरकोस्टल नोड्स। दूसरा, लेफ्ट जुगलर ट्रंक। तीसरा, लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक। और चौथा, लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक। इसके ट्राइब्यूटरीज, पहला है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल नोड्स एंड स्मॉल इंटरकोस्टल नोड, दूसरा लेफ्ट जुगलर ट्रंक, तीसरा लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक, चौथा लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही आप आगे कमेंट करते रहें जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो। थैंक यू दोस्तों।